आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आप बाबूजी गुड़ खाए और दूसरों को परहेज बताए। कुछ ऐसा ही अब नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे हैं। सोचकर आपको हैरानी होगी और जिन लोगों ने इस चीज को नोटिस कर लिया है वो शायद समझ गए होंगे। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आज से 7-8 दिन पहले एक फैसला लिया गया जिसके अंदर कहा गया कि जो टिकटॉक है वो नेपाल के अंदर पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, यानी कि अब आप टिकटॉक की सेवाएं नहीं ले सकते। और इसके साथ साथ कई और भी यहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टारगेट किए गए। लेकिन क्या आखिरकार ऐसा ही हुआ? क्या सभी के लिए टिकटॉक बंद हो गया? सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है और इसी के बारे में हम जवाब देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर टिकटॉक को बैन करने की वजह भी बताई गई और सरकार का कहना था कि टिकटॉक के जरिए लोग अश्लीलता फैलाते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस को कम करा जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, कुछ ऐसी तरह के यहां पे एलिगेशन लगाकर टिकटॉक को बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ कहा गया कि यहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अगर चलना है नेपाल के अंदर नेपाल के साथ तो यहां पे उनका कार्यालय होना चाहिए या फिर कोई ऐसा स्थायी सदस्य हो जो कि सरकार के साथ वार्तालाप कर सके, और उसके बाद टिकटॉक को पूरी तरह से नेपाल में बंद कर दिया जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक खबरी या फिर ऐसे कहें कि न्यूज़ चैनल के मुताबिक, जो कि यहाँ पे जो कार्यालय भवन है, पीएम ऑफिस जिसे कह सकते हैं हम, वहाँ पे जाकर परीक्षण किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी ही अनसुनी बातें थी जिसमें कहा गया था कि जो वो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट राज करती है या फिर ऐसे कहें कि संसद भवन है, पीएमओ है, उनके अंदर टिकटॉक चल रहा है। और इसी का वेरिफिकेशन करने के लिए एक न्यूज़ रिपोर्टर पहुंचा और उसने जब वहां जाके देखा तो उसके होश उड़ गए। ना केवल उसके होश उड़े लेकिन जब वीडियो सामने आया तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का धोखा हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि टिकटॉक बंद क्यों हुआ, सवाल ये है कि टिकटॉक बंद हो गया तो फिर पीएमओ के अंदर टिकटॉक चालू क्यों है। दूसरी बड़ी बात, अभी यहाँ पे अदालत के अंदर जब फैसला गया था, याचिकाएं लगी थी, तो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा था कि ये सामाजिक जो हमारे कानून कायदे हैं उसके अंगेस्ट जाता है और इसीलिए हमने बंद किया था। अगर ये सामाजिकता को अश्लील बना रहा है, गलत जा रहा है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदों जो कार्यालय है उसके अंदर टिकटॉक कैसे चल सकता है, या फिर ऐसे कहें कि वहाँ पर क्या सामाजिक कानून कायदे नहीं हो रहे, या फिर वो लोग तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें तो टिकटॉक देखे बिना नहीं रहा जा सकता, या फिर ऐसे कहें कि उनके ऊपर कोई साइड इम्पैक्ट नहीं डालेगा टिकटॉक। अगर उनके ऊपर नहीं डालेगा तो क्या वही लोग समझदार हैं? और कोई लोग समझदार हैं ही नहीं नेपाल के अंदर। कई सवाल, इसके ऊपर विरोध भी हुआ था नेपाल की सरकार में भी। अब यहाँ पे जो पीएमओ के अंदर और बाहर नहीं चल रहा, ये दो डिफरेंट फेजेस हो गए, जो कि जाहिर तौर पे ये साबित करता है कि किस तरह से दोगलापन दिखाया जा रहा है, और ऐसा दोगलापन कभी भी न्याय नहीं हो सकता। क्या आप भी यही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।